इन दिनों अपनी विधानसभा 3 को लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से 1.5 करोड़ की लागत से होने वाले शासकीय विद्यालय के विकास कार्य का बीड़ा उठाया है, जहां विकास कार्यों का भूमि पूजन कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 1.5 करोड़ से अधिक की लागत के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विकास कार्य का भूमि पूजन कृषि मंत्री कमल पटेल और विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा संपन्न किया गया। वहीं विद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो आज संयोगितगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुराना जो भवन है, 200 साल पुराना, मतलब स्कूल है ये भवन, तो 200 साल पुराना नहीं होगा, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए आकाश विजयवर्गीय जी ने, विधायक जी ने प्रयास करके नगर निगम से 1.5-2 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए, जिसका आज भूमि पूजन हुआ। ये बहुत ही सुंदर इसका पुनर्निर्माण होगा, जिसके अच्छा परिसर मिलेगा तो बच्चों को मन लगेगा पढ़ाई करने में, शिक्षकों को पढ़ाने में अच्छा लगेगा, जिससे हमारे स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान और देशभक्त युवक युवती यहाँ से निकलेंगे, जो समाज और देश के लिए काम करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। सर, कब तक की? देखिए 1.9 करोड़ का ये स्कूल है और बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल है। 200 साल पुराना ये संयोगितागंज बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और विधानसभा 3 की शान है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है इसके रेनोवेशन का, और बहुत ही सुंदर इसे भी बनाएंगे। और इसी तरह से हमने अहिल्या आश्रम और मल्हार आश्रम को भी सीएम राइज में लिया है। एक पगनीस पागा के स्कूल में लगभग हम 2-3 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसमें कुछ एनजीओस की भी सहायता लेंगे। और उसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमने कहा है कि सभी स्कूलों का वो दौरा करें, उन्होंने सभी स्कूलों का दौरा करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है कौन से स्कूल में किस चीज़ की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम प्राइवेट स्कूलों जैसा करें, उससे भी बेहतर करें, और उसके बाद फिर हम लोग कैंपेन चलाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ये हमारी अल्टीमेट सोच है। इससे निसंदेह माता पिता का, विशेषकर मध्यम वर्गीय और बिलो मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनेगा, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में विधानसभा 3 के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।